हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कंटीन्यूअस बैलेंस टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। तो कंटीन्यूअस बैलेंस टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर में हमने एक स्पेशल मैकेनिज्म यूज किया है जिसको कि बोलते हैं सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर के थ्रू जो है हम पोटेंशियो मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है जो कि पोटेंशियो मीटर के अक्रॉस जनरेट हो रहा है, उस रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो किसके थ्रू जनरेट हो रही है, सर्वो जो आपकी मोटर होती है सर्वो मोटर के थ्रू जनरेट हो रही है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हमने डीसी इनपुट दिया है, डीसी इनपुट को हमने क्या दिया है, अटेन्यूटर को दिया है। अटेन्यूटर को अटेन्यूट करेगा यानी कि इसको लेवल में लेकर आएगा, लो अगर करेगा, हाई अगर होगा डीसी इनपुट वोल्टेज तो उसको लो कर देगा। देन उसके बाद हमने लगाया है ओवरशूट प्रोटेक्शन एंड द एसी रिजेक्शन। इसमें क्या होगा कि जो डीसी वोल्टेज के अंदर जो एसी स्पाइक्स आ गई हैं, जो एसी वोल्टेज के कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो उसको वो रिजेक्ट करेगा, एसी वोल्टेज रिजेक्शन। देन उसके बाद हमने एक मैकेनिकल चॉपर लगाया है। चॉपर इज द डीसी टू डीसी कन्वर्टर, लेकिन यहां पर वो क्या यूज कर रहा है, यहां पर वो है ना कंपैरेटर की तरह जो है यूज हो रहा है। तो कंपैरेटर में क्या होता है, दो आपके इनपुट होते हैं और दो इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशियल वोल्टेज जनरेट करता है। तो यहाँ पर दो इनपुट हैं आपका, एक एसी इनपुट, दूसरा है आपका रेफरेंस वोल्टेज से जो आपका सप्लाई आ रहा है, रेफरेंस वोल्टेज से जो सप्लाई आ रहा है वो। तो दोनों हमको कंपैरेटर को दे रहे हैं यानी कि चॉपर को दे रहे हैं, और चॉपर उसके बदले क्या देगा हमको, डीसी, डीसी टू डीसी है तो क्या देगा, स्क्वायर वेव देगा, पल्सेटिंग वेव देगा। और उसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एसी ड्राइव से जो कि 50 हर्ट्ज पर काम कर रही है। तो एसी ड्राइव और जो चॉपर की वेवफॉर्म आउटपुट में आई है आपकी स्क्वायर वाली, उन दोनों को मिलाकर के हम किसको दे रहे हैं, एम्पलीफायर को, प्री एम्पलीफायर को। प्री एम्पलीफायर उसको थोड़ा इंक्रीज करेगा उसके लेवल को। देन हम पावर एम्पलीफायर को दे रहे हैं, पावर एम्पलीफायर उसको थोड़ा और इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद जो है वो किसको जाएगा, आपका जो पल्सेटिंग आपका स्क्वायर वेव है वो जाएगा आपका सर्वो मोटर को। सर्वो मोटर से आपका वाइपर अटैच है, कौन सा, पोटेंशियोमीटर का। तो जैसे सर्वो मोटर को जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगी, जो आपको सिग्नल मिला है, जो उसको सिग्नल मिला है स्क्वायर वेव, उसके अकॉर्डिंग वो रोटेट करेगी। तो उससे आपका वाइपर जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी और पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी चेंज होगा, और वो है हमारा रेफरेंस वोल्टेज। तो इस तरीके से जो रेफरेंस वोल्टेज है वो चेंज होगा कंटिन्यूअसली, और वो रेफरेंस वोल्टेज फीडबैक में किस में जा रहा है, कंपैरेटर में। कंपैरेटर बार बार उसको कंपेयर करेगा इनपुट वोल्टेज से, जब तक कि दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। और जब जीरो हो जाएगा जिस वोल्टेज पे, उस वोल्टेज को जो रेफरेंस वोल्टेज है उस वोल्टेज पर हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को किसको दे देंगे, आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किसको दे देगा, काउंटर को। और काउंटर से जो है हमको जो पल्सेस काउंट हुई है वो हम किसको दे देंगे, हमारे डिकोडर को। और डिकोडर जो है हमको डिजिटल डिस्प्ले में रीड आउट दे देगा कि कितना इनपुट वोल्टेज है। तो इस तरीके से जो हमारी बैलेंसिंग हो रही है किस किस के बीच में, इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज के बीच में जो बैलेंसिंग चल रही है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हम कंटिन्यूअसली मेजर कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके ही थ्रू किसको चेंज कर रहे हैं, वाइपर, उसी सिग्नल डिफरेंशियल सिग्नल के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के वाइपर को। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कंटीन्यूअस बैलेंस टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक सर्वो मोटर जो है जिसके बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं वो यहाँ पर यूज हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर।